नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हम मौजूद है पसमांदा मुस्लिम समाज में, जहां एक विचार गोष्ठी हुई है। जानते हैं इसके पीछे किन विचारों को रखा गया है, मेन उद्देश्य क्या रहा है। सर, बहुत देर से मैं भी इस बात को सुन रही थी और कुछ विशेष बातें भी आपने की, और इन मुद्दों को लेकर आपने पहले भी कहीं ना कहीं आपने अपनी बात रखी है, लेकिन इस बार विचार गोष्ठी में खास क्या रहा? आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। इस मौके पर मैंने सरकार से ये मांग की है कि अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम, अल्पसंख्यक आयोग जो पूरी तरह से निष्क्रिय है, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य दफ्तरों में बैठते नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे पीड़ित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में 80% मुसलमान हैं, और उन 80% मुसलमानों में 85% जो है वो पसमांदा मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा, वो गरीब तबके के मुसलमान हैं। तो उनको, उनके लिए गठन किया गया आयोग का, लेकिन आयोग में कहीं तरह न्याय नहीं मिलता। वहाँ वो बैठे अधिकारी या तो वो दफ्तर से नदारद रहते हैं, और या तो वो काम करने में सुस्ती दिखाते हैं, और संबंधित अधिकारियों का तलब नहीं करते। हमारे लोग साथ अन्याय होता है, हमारे लोग मायूस होकर लखनऊ से वापस चले जाते हैं। सर, अन्याय होता है, ये मतलब कितने सालों से हो रहा है? ये देखिए, ये अन्याय तो हम गरीब तबके के लोगों पर, पिछले मुसलमानों पर तो कई सालों से हो रहा है। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ 1936 से 1950 तक, हम लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। उसके बाद 1950 में जब कांग्रेसी सरकार हुकूमत में आई, तो 10 अगस्त 1950 को हमारे आरक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, एक गैर संवैधानिक अध्यादेश जारी करके प्रतिबंधित कर दिया गया। हमको आरक्षण मिलना बंद हो गया। उसमें मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था। 1960 में सिखों को बहाल कर दिया, 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया, ईसाई और मुसलमानों को अभी बहाल नहीं किया। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हमको भी बहाली करे। दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो माननीय न्यायालय में धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 72 सालों में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तत्कालीन सरकार हलफनामा नहीं दे पाई, और अभी जो उन्होंने अपना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, वो हम मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो ऐसे में हमारा नुकसान हो रहा है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में अगस्त के महीने में उन्होंने पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए इतनी हमदर्दी जताने का काम किया, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद प्रधानमंत्री जी हमारी सुनेंगे। लेकिन वो दो तीन फैसले उसके बाद हुए, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, वो हमारे खिलाफ था, तो विश्वास उठता नज़र आ रहा है, जमता नहीं है। और दूसरा जो आपने, आपकी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो स्कॉलरशिप हम लोगों को मिलती थी कई वर्षों से, और उस स्कॉलरशिप अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत स्कॉलरशिप से हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, स्कूलों में उनको सुविधाएं मिल रही थी, आगे बढ़ रहे थे। ऐसा ना होने से वो हमारे बच्चे जो है वंचित रह गए। तो इससे लगता है कि आवाज़ उठाई थी जब स्मृति ईरानी बंद किया गया? नहीं, अभी इन्होंने हाल में किया, उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अब इसकी, अब उस पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आंदोलन भी करेंगे कि ये गलत तरीके से इन्होंने किया है। हमें उम्मीद ये नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमदर्दी दिखा करके और हमसे, हमारे लोगों की जो योजनाएं चल रही उसको भी बंद कर देंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत स्कॉलरशिप मिलती थी, वो मिलती रहे, उसको जारी रखा जाए, उसको बंद ना किया जाए। जब बंद कर दी गई है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे? अगर अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन और भी समाज में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, पसमांदा समाज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और कोई लड़ कौन रहा है, आवाज़ कौन उठा रहा है? विपक्ष बोलता है, कोई नहीं बोलता। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों की बात आती है तो विपक्ष भी शांत है, उनको मुसलमानों के प्रति बोलने में उनको ये डर लगता कहीं हिंदू वोट हमसे खिसक ना जाए। तो ये राजनीति के तहत हम लोग ये पीड़ा कब तक सहते रहेंगे, कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? इसलिए हम लोग अपनी आवाज़, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है, इसकी आवाज़ हम बराबर उठाते रहे हैं। और मेरी मांग है सरकार से कि जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आपने जवाब दाखिल किया, उस पर पुनर्विचार कर लें, और हलफनामा दाखिल किया है उसका रिवीजन पेश कर दें,
रिवीजन में जाएं। और दूसरा जो आपने अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप बंद किया है उसको भी चालू रखें। और तीसरा जो मदरसों को आप टारगेट कर रहे हैं, उन मदरसों को बंद करने की जो आपकी नीति चल रही है उनको बंद ना किया जाए, बल्कि उसमें जो अध्यापक हैं उनको सरकारी अध्यापक उनको बना करके नियुक्ति करके और उसमें मदरसों में आप अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लागू कर दें, ताकि वह मदरसों में भी तरह तरह की पढ़ाई अन्य स्कूलों के अन्य कॉलेजों की भांति हो सके। लेकिन बंद करना ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ में, मुसलमानों के साथ में सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। सर 2022 खत्म हो रहा है, 23 आ रहा है, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो इस बार अगर कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है कि अपनी बातों को ऐसी गोष्ठी के दौरान आप कहते हैं लेकिन बड़ा एक्शन लेने की तैयारी? देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पसमांदा मुसलमानों को गुमराह करके अपने साथ ला करके और मुसलमानों को गुमराह करके उनके वोट का डिवीजन करना चाहती है। अभी तक तो मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी शायद कुछ करेंगे, लेकिन ये तीन घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटी इससे हमारा विश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है और उम्मीद भी छीण होती जा रही है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे अपने अधिकार के लिए और सरकार से मांग करेंगे बराबर, और सरकार नहीं मानती तो हम लोग संगठित होकर के इस सरकार को खाल फेंकने का काम करेंगे।